ग्वालियर जिले के भितरवार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कड़नी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर भितरवार में किराड़ क्षत्रिय महासभा ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान किराड़ क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने कड़नी सेना के लोगों पर मामला दर्ज करने की मांग को लेकर डीजीपी के नाम एसडीओपी अभिनव कुमार बारंगे को ज्ञापन सौंपा। किराड़ क्षेत्रीय महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्य मार्गों पर जुलूस निकालकर एसडीओपी कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर कड़नी सेना के लोगों पर मामला दर्ज कराने की मांग को लेकर डीजीपी के नाम एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि 11 जनवरी को भोपाल के जबूरी मैदान में कड़नी सेना अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान भरे मंच से कड़नी सेना के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में अपशब्द का प्रयोग करते हुए गाली गलौज कर दी गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गाली देने वालों के खिलाफ अगर कार्यवाही नहीं हुई तो ओबीसी महासभा के साथ साथ अन्य सामाजिक संगठन भी शामिल होकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। यह क्या मामला है? मामला ये है कि कड़नी सेना द्वारा हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियां सरेआम दी गई हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरस हो रही हैं। हम सबका एक ज्ञापन देने का एक ही लक्ष्य है कि जिन लोगों ने इस तरह की अभद्र गालियाँ माँ बहन की दी हैं, उन लोगों के खिलाफ बराबर FIR होना चाहिए। जो है अभी आपको क्या आश्वासन मिला एसडीओपी साहब से? एसडीओपी साहब ने ये बोला है कि हमने ग्वालियर में FIR कट दी है और जैसे ही एसपी साहब से अनुमति मिलती है हम यहाँ भी FIR काट देंगे। ओबीसी एकता जिंदाबाद, 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 शिवराज सिंह जिंदाबाद, 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 कर्णी सेना मुर्दाबाद, 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 कर्णी सेना। ये अभी 11 तारीख को कर्णी सेना के द्वारा माननीय शिवराज सिंह, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, ओबीसी वर्ग से भी आते हैं, उनके खिलाफ एक अभद्र भाषा का गाली गलौज का उपयोग किया गया, उसके खिलाफ ये हमने एसडीओपी साहब के यहाँ आज ज्ञापन दिया और भितरवार FIR की मांग की और उन्होंने हमें 7 दिन का आश्वासन दिया। अब इस प्रदेश की हालत देखिए, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो ओबीसी वर्ग से आता है, ओबीसी के नाम पर ये पार्टी उनसे वोट ले लेती है, उसके बाद एक मुख्यमंत्री की ये दुर्दशा है, एक आम नागरिक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को गाली गलौज करता है, भाजपा के संगठन में कि किसी व्यक्ति द्वारा एक भी शब्द मुंह से नहीं निकला कि हमारे मुखिया या हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की आलोचना वाली बात क्यों की गई। तो हम सब लोगों ने एकत्रित होकर ये मांग रखी है और हम ये भी चाहते हैं कि उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आगे भी इस तरह का और कड़नी सेना के खिलाफ भी कार्रवाई हो, उनके जो बड़े बड़े प्रदेश लेवल के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय लेवल के, ऐसी ऐसी सेना पे अवरोध लगाना चाहिए, बैन लगाना चाहिए। ये हम सब लोगों ने SDOP साहब को ज्ञापन दे के मांग की। इस मामले में OBC द्वारा और भी कोई आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है? 7 दिनों तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हम FIR की मांग कर रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 7 दिन में यहाँ भितरवार FIR करके देंगे। विरोध में ये नारेबाजी की गई है, क्या मामला सर? ये आज कड़नी सेना के विरोध में ज्ञापन किराड़ क्षत्रिय महासभा द्वारा दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई है कि भोपाल में तथाकथित कड़नी सेना के द्वारा कुछ वीडियो अपशब्द कहे गए हैं, इसके संबंध में FIR दर्ज करने हेतु थाना भितरवार में FIR दर्ज करने हेतु आज ज्ञापन दिया गया, जिसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है। वरिष्ठ अधिकारी को दिशा निर्देश प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में ग्वालियर जिला में क्राइम ब्रांच में FIR कल दर्ज की जा चुकी है, इस अतः आगे की अग्रिम कार्रवाई श्रीमान वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।